हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड, काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने वीडियो में आई हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी फ्रेंड, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। सो फ्रेंड, मैंने वहाँ का कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि हॉस्पिटल दिखाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो आप लोगों के साथ अपना वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड, हॉस्पिटल से आकर मुझे 3 दिन हो चुके हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से बातें करूँ, और तबीयत मेरी अभी ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं। फ्रेंड, मुझे पता था कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज कोई एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं। सो फ्रेंड, मेरी अभी तबीयत ठीक है, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी फ्रेंड कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे एडमिट होना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आप एडमिट हो जाइए, तो एडमिट होने की वजह से मैं 3 दिन में ठीक हो गई। अगर घर में मैं तबीयत अपनी ठीक करती तो काफ़ी वक्त लग जाता, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं काफ़ी लेट अपनी तबीयत ठीक करूं। मैं चाहती थी मैं फ़ौरन एडमिट होके जल्दी ठीक हो जाऊं। सो फ्रेंड, आप लोग मुझे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। कोई वीडियो ना अपलोड होने की वजह से भी आपने मुझे सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छा लगा, दिल से आप लोगों का शुक्रिया। सो फ्रेंड, आज मैं जो ये वीडियो लेकर आई हूँ, कुछ आपको प्रोडक्ट दिखाऊँगी और मीशो में मैंने कौन से प्रोडक्ट नए ऐड किए हैं। इंशाल्लाह आपको वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और न्यू कलेक्शन हमारे पास है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये कलेक्शन शेयर करूं। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं कौन से न्यू कलेक्शन लेकर आई हूं, और आप लोग मेरे कलेक्शन को ख़रीद रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग मेरे कलेक्शन ले रहे हैं। सो फ्रेंड, हमारी शॉप का नाम है सुलेमान कलेक्शन। तो सुलेमान कलेक्शन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए, सिर्फ हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वहां से चेक कर लेना और आपको मीशो में सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड, आज हम आपको उसी मार्केट में लेकर चल रहे हैं। तो ये बैग मार्केट है, और यहाँ से हमें पर्स वगैरह ख़रीदना है। आप तो जानते हैं कि मीशो में हमारा काम चलता है, और ये पर्स वगैरह हम लोग वहाँ पर सेल करते हैं। तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से बच्चे बिल्कुल भी कोई यहाँ से बैग वगैरह नहीं ख़रीद पा रहे थे, क्योंकि उन्हें इतना समझ में नहीं आता है। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं दूसरे दिन इस मार्केट में आई, और यहाँ से मैंने जो भी बैग वगैरह ख़रीदना था, मीशो पर ऐड करना था, तो मैंने सब यहाँ से ख़रीदे। और बच्चों को इतना कुछ समझ में नहीं आता है, भले वे कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन जो हम लोगों में समझदारी होती है वो बच्चों में नहीं होती है। और ये देख सकते हैं कि इस दुकान से जो मैंने सबसे पहला बैग मीशो में सेल किया था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हमारे बैग को। तो हम हमेशा जब आते हैं इस मार्केट में, तो हमेशा मैं इस दुकान से ज़रूर बैग ख़रीदती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे बैग्स लगे हुए हैं, और हर तरह के, हर स्टाइल के। तो ये सब होलसेल मार्केट है, और ये है फैशन साकली स्ट्रीट बोलते हैं, और मदनपुरा भी इसे बोलते हैं। तो इसी एरिए में सब बैग का बड़ा से बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैग ख़रीदते हैं, और होलसेल में ख़रीदते हैं, रिटेल में सेल करते हैं। तो आप तो जानते हो कि मैं मीशो में सेल करती हूँ, मेरा बिजनेस मीशो पर है। तो ये पर्स शोएब देख रहे थे, तो शोएब मेरे साथ आए थे, और छोटा वाला बेटा भी मेरा आया था।
क्योंकि उन लोगों ने कहा था अम्मी पूरा मिशो में माल वगैरह ख़त्म हो चुका है और हमें लेने जाना है। तो फिर मैं जाकर इनके साथ लेकर आई थी और कुछ इनके पापा भी लेकर आए थे, वो सारा माल ख़त्म हो गया था फ्रेंड। तो अब ये हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर जो बैग हैं बड़े वाले हैं और यहाँ पर बड़े बड़े बैग मिलते हैं। तो मीशो पे बड़े बैग बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो ये दुकान से भी हमने पहले भी ख़रीदा था। आज मेरे इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी कि मैं बहुत सारी दुकानों में देखती, सिर्फ मैं दो ही दुकान पर आई थी और दो ही दुकानों से मैंने सारे बैग्स ख़रीद लिए थे। तो यहाँ से भी हमने बैग्स ख़रीदे हैं, बहुत सारे बैग ख़रीदे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इनसे कहा है जो जो बैग, तो ये निकाल कर दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये सारे बैग की डिमांड बहुत होती है मीशो पर, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम इस तरीके के बैग बहुत सारे ख़रीदे हैं और पहली दुकान से भी ख़रीदा है। सिर्फ मैंने आज दो ही दुकानों से बैग ख़रीदे हैं, ज़्यादा दुकानों से नहीं ख़रीदे हैं। और दो ही दुकानों में हमें बहुत अच्छा माल मिल गया था, ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और पहले का भी माल थोड़ा रखा हुआ है। तो मीशो पर इस तरीके के ये देख सकते हैं, ये मैंने बैग लिए हैं पहली दुकान से। तो पहली दुकान से मैंने 20 बैग ख़रीदे हैं। तो आप देख सकते हैं सब ज़्यादा ट्रेंडिंग पर रहते हैं और ये भी बैग मैं ले रही हूँ। तो हम लोग ने पसंद किया है, जो बैग पसंद किया है वो सब ये यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो इस मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं और बैग की वैरायटी एक से बढ़कर एक है, लेकिन जो बैग ज़्यादा सेल होते हैं वही हम मीशो में ऐड करेंगे, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड करेंगे। क्योंकि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है वही हमें सेल करना है। तो ये देख सकते हैं पूरे बैग हमने ख़रीदे हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे बैग ख़रीदे और मीशो में हमारे बैग अच्छे सेल होते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से बैग ख़रीदे हैं। सो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी अपना रूटीन, और मैंने बहुत टाइम से कोई रूटीन नहीं शेयर किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ कोई रूटीन शेयर करूं। और आप लोग मेरे रूटीन को पसंद करते हैं, तो ये है आज का जो दिन है वो है संडे का, और संडे के दिन मैंने क्या क्या घर में बनाया था वो आपको हम सब बताएंगे। सो फ्रेंड, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे जो है अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल भले ही कितना भी अच्छा हो
लेकिन घर से अच्छा नहीं होता है। और इस तरीके से मैं 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे अच्छा तो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी जो मुझे रहना पड़ा। सो फ्रेंड, मैं कभी बीमार नहीं पड़ती हूँ, लेकिन अभी जब बीमार हुई थी तो मैं ज़्यादा बीमार हो गई थी, लेकिन सिर्फ बुखार मुझे आ रहा था, दूसरा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉर्निंग टाइम है और मैंने चाय बनाया है, और ये है खारी। तो चाय और खारी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। हॉस्पिटल से जब से आए हैं तो मुंह का टेस्ट थोड़ा ख़राब था, लेकिन अभी अच्छा हो गया है और अभी भी मेरी दवाई चालू है फ्रेंड। तो चाय बन गई थी और मुंह इतना फीका फीका सा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना दही बड़े बनाए जाएं, और दही बड़े ज़रा खाएंगे तो मुंह का टेस्ट बदल जाएगा। तो ये मैंने अपने घर में दही जमाया था, और बच्चों को भी बहुत दिल था दही बड़े खाने का, तो मैंने सोचा चलो घर में आज दही बड़े बना लेते हैं। और दही बड़े तो बहुत अच्छे बने थे। सो फ्रेंड, ईद के बाद आज हमने जो है दही बड़े बनाए हैं। तो जब भी बनाती हूँ बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, और ये देखिए फाइनल लुक हमारे दही बड़े का। तो दही बड़े जो बनते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनते हैं, और उसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। सो फ्रेंड, जिस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो मैंने कोई केक वगैरह नहीं बताया था, तो बच्चे लोग केक लेकर आए थे, ये केक देख सकते हैं आप। और शाकिब जो है आज बनाएंगे अपने लिए चिकन सैंडविच। तो शाकिब, जब मैं एडमिट थी तो शाकिब घर के बहुत सारे काम करते थे, और मेरी सिस्टर की बेटी भी आ गई थी, वो भी काम करती थी। तो शाकिब अपने लिए चिकन सैंडविच बना रहे हैं, हमेशा बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से अभी कुछ नए तरीके से बना रहे हैं। और फ्रेंड, मुंबई में 2-3 दिन से बारिश शाम के टाइम होती है और थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है, तो ये देख सकते हैं। तो बारिश का जो है टाइम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी रात के टाइम ही होती है। तो ये शाकिब ने शूट किया था बारिश को, तो इस तरीके से ठंडा हो गया है मौसम मुंबई में भी। और शाकिब यहाँ पे अपना चिकन लगा रहे हैं सैंडविच में। तो सैंडविच बहुत ही अच्छा बना था, और ये चीज़ ऐड करेंगे। तो कभी कभी लड़कों को भी घर में काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर घर में लड़कियाँ ना हों तो लड़कों से काम कराना तो ज़रूरी है। और हमारे बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत सारा ख्याल रखते थे, और बहुत मेरी जो है हॉस्पिटल में आके मुझे खाना पीना सब अच्छे से खिलाते पिलाते थे। तो ये है फ़िश, तो फ़िश फ्राई में बना रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये फ़िश हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों के भी। तो मैंने सोचा चलो बहुत टाइम के बाद फ़िश बना ले। तो फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, और दाल बनाया था, और ये मेरा संडे रूटीन है, और यहाँ पे चपातियाँ। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।